presenting you Audi's first fully electric all-wheel drive SUV, the e-tron. चैनल गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे ऑडीज फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिक एसयूवी द ई-ट्रॉन, जिसका एक शोरूम प्राइस 99.99 लाख से शुरू होके 1.17 करोड़ पे ख़त्म होता है। और जो आप वीडियो में वेरिएंट देख रही है, इसका टॉप वेरिएंट है स्पोर्ट बैक। स्पेशल थैंक्स टू ऑडी चंडीगढ़ फॉर लैंडिंग अस द कार। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग ई-ट्रॉन और एनी अदर ऑडी कार, यू कैन कॉन्टैक्ट देम फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इसकी लुक से स्टार्ट करें तो इसकी लुक्स बाकी ऑडियो एसयूवी जैसी ही हैं, शार्प और मस्कुलर। अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी लुक्स काफ़ी मिलती हैं Q5 से। बिफोर स्टार्टिंग विद द फर्दर डिटेल गाइस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड डू शेयर ओपिनियन अबाउट इलेक्ट्रिक कार्स इन द कमेंट बॉक्स। इसकी फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करें तो हमें इसमें ऑल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप ऑफर होता है। यह है इसकी कुछ लाइट की लुक। इसके डाउन में हमें लाइट वॉशर ऑफर होता है। और यह है इसके DRL जो कि काफ़ी ब्राइट है। और इसके डाउन में हमें फॉगलेट्स नहीं ऑफर होती, हमें यहाँ पे एयरवेंट्स ऑफर होते हैं विद पार्किंग सेंसर्स और ये टोइंग हुक। और इसमें हमें प्लेटिनम सिल्वर कलर की ग्रिल ऑफर होती है विद 2 पार्किंग सेंसर्स एंड कैमरा। और इसमें हमें ई-ट्रॉन की बैचिंग मिलती है फ्रंट में। और ये है इसका कैमरा 360। और ये है को ड्राइवर साइड की लुक्स। इस कार में हमें साइड पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर होते हैं। और इसमें हमें ब्रिजस्टोन के टायर्स ऑफर होते हैं फिर 20 इंचेस सिल्वर अलॉय व्हील्स। ये है इसके कुछ अलॉय व्हील्स की लुक। इसमें हमें डिस्क कैलिपर येलो कलर का ऑफर होता है विद ई-ट्रॉन बैचिंग। और यह है इसके कुछ सस्पेंशन के लुक्स। इसमें हमें इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलती है। इस कार के ड्राइवर और को ड्राइवर साइड्स पे चार्जिंग पॉइंट्स ऑफर होते हैं विद इलेक्ट्रॉनिक ओपनिंग फंक्शंस। यह है इसके चार्जिंग पोर्ट के लुक्स विद वार्निंग फंक्शंस। के दोनों ORVM पे हमें कैमरा ऑफर होता है फॉर 360 व्यू विद इंडिकेटर्स। और इस कार के सारे डोर हैंडल्स पे हमें रिक्वेस्ट बटन्स ऑफर होते हैं फॉर लॉक एंड अनलॉक ऑफ द कार। और इसके विंडो पे हमें पियानो ब्लैक फिनिश की क्लेडिंग मिलती है। यह है कार के रियर अलॉय व्हील की लुक। इसमें हमें रियर में भी डिस्क ब्रेक्स ऑफर होती हैं। और इसकी रूफ पे हमें शार्क फिन एंटीना ऑफर होता है विद पैनोरामिक सनरूफ एंड सिल्वर रूफ रिल्स। और यह है इसकी रियर व्यू विंडशील्ड, जिसमें हमें वाइपर नहीं ऑफर होता बट डिफॉगर ऑफर होता है। यह है इस कार की रियर लुक विद ऑल LED टेल लैंप्स और ई-ट्रॉन की बैचिंग लेफ्ट में और 55 क्वार्टरो राइट साइड में। इसमें हमें फुली ऑटोमेटिक टेलगेट ऑफर होता है विद 660 लीटर्स बूट स्पेस एंड 12 वॉट का सॉकेट मिलता है राइट साइड में।
और कुछ स्टोरेज आपको लेफ्ट साइड में ही मिलती है। और इस कार में हमें 60-40 का स्प्लिट सीट फंक्शन मिलता है विद LED टेल लाइट्स इन बूट। और यह है इसका स्पेयर व्हील विद रिम, इसमें हमें अलॉय व्हील नहीं ऑफर होता है। और ये इसकी कुछ स्टोरेज मिलती है हमें स्पेयर व्हील के पास में। और इसमें काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर होती है विद एडेप्टिव एयर सस्पेंशन, जिससे कार की ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। और इसमें हमें हाइड्रोलिक बोनेट ऑफर होता है। और वहीं इसकी पावर आउटपुट की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 408 BHP प्रोड्यूस करती है विद 664 Nm ऑफ टॉर्क। और इसमें हमें फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर होती है। और इसके बोनेट के अंदर आपको इसके चार्जर रखने की स्पेस मिलती है। इस कार में स्पेस का काफ़ी अच्छी यूटिलाइजेशन हुई है। और यह है इस कार का ड्राइवर साइड डोर विद सिल्वर फिनिशिंग। और इस कार के इंटीरियर की बात करें तो हमें इसमें काफ़ी स्पोर्टी इंटीरियर ऑफर होता है विद LED डिस्प्ले। डोर में हमें ईट्रॉन वेलकम फंक्शन ऑफर होता है। ये को ड्राइवर साइड के लुक। और यह है इसका सेंटर इंफोटेनमेंट सिस्टम विद फुली डिजिटल ऑटोमेटिक AC कंट्रोल्स। इसमें हमें 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिलता है। और यह है इसका गियर नॉब। ये कुछ स्पेस की रखने के लिए या फिर बॉटल होल्डर। और यह है रियर डोर के लुक विद सिल्वर फिनिशिंग एंड सॉफ्टेस्ट मटेरियल। और इसमें हमें यहाँ कुछ स्टोरेज मिल जाती हैं स्पीकर की प्लेसिंग डाउन में। और इसमें हमें मैनुअल साइड विंडो ब्लाइंड्स ऑफर होते हैं। ये है इसके कुछ AC वेंट्स पिलर्स में। आर्मरेस्ट पे भी रियर AC वेंट्स ऑफर होते हैं। ये है कुछ स्टोरेज ड्राइवर सीट पे। और इसमें आइसोफिक चाइल्ड सीट्स मिल जाती हैं दोनों साइड्स पे। ये है इसके रियर कैबिन के लुक। और रियर में मैनुअल आर्मरेस्ट ऑफर होता है विद 2 कप होल्डर्स। और इसमें मैनुअल रूफ होल्डर्स मिल जाते हैं विद हुक। और इस कार में हमें पैनोरामिक सनरूफ ऑफर होती है। और यह है रीडिंग लाइट्स रियर की LED। ये रियर साइड से फ्रंट कैबिन के लुक। यह है इसकी को ड्राइवर सीट विद इलेक्ट्रिक सीट फंक्शंस। और इसकी ग्लो बॉक्स की बात करें तो हमें इसमें काफ़ी डिसेंट स्पेस मिलती है विद LED फॉर द कन्वीनियंस। और इस कार के दोनों साइड्स पे आपको वैनिटी मिरर्स ऑफर होते हैं विद LED फंक्शंस, जैसे कि आप क्लिप में देख सकते हैं। यह है को ड्राइवर साइड का और यह है ड्राइवर साइड का, जो कि काफ़ी प्रीमियम फंक्शन है। और इसमें ड्राइविंग मोड्स की बात करें तो हमें इसमें 5 ड्राइविंग मोड्स ऑफर होते हैं। फर्स्ट मोड है ऑफ रोड, सेकेंड ऑल रोड, थर्ड है एफिशिएंसी, और जो फोर्थ मोड है वो है कंफर्ट, और जो फिफ्थ मोड ऑफर होता है वो है ऑटो। इसमें ये अपने अकॉर्डिंग सेट होती है रोड के। ये इस कार का 360 व्यू कैमरा विथ 3D व्यू। इसमें आप ऑल 4 डायरेक्शंस की इमेज देख सकते हैं, फ्रंट, लेफ्ट साइड, रियर साइड और राइट साइड का। और आपको एक बार हॉर्न की साउंड सुना देते हैं। और एक बार आपको इसकी म्यूजिक सिस्टम की साउंड क्वालिटी चेक करवा देते हैं।
इसकी चार्जिंग ड्यूरेशन की बात करें तो जो इसकी 95 किलोवाट की बैटरी है उसको अगर हम 11 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करते हैं 10 to 100% तो वो 8 आवर्स में हो जाती है। बट वहीं अगर हम फास्ट चार्जर 25 किलोवाट से चार्ज करते हैं तो ये 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। इसकी रेंज की बात करें तो ये फुली चार्ज होने पे 359 किलोमीटर से 484 किलोमीटर तक जा सकती है, जो कि ऑडी क्लेम करती है डिपेंडिंग ऑन द राइडिंग कंडीशंस। और वहीं अगर इसकी 0 to 100 स्पीड की बात करें तो ये 5.7 सेकंड्स में 0 to 100 टच कर जाती है। और सेफ्टी से रिलेटेड बात करें तो हमें इसमें 8 फुल साइज एयरबैग ऑफर होते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।